दिल्ली कैंट स्थित पुरानी नांगल गांव में 9 साल की नाबालिग लड़की से कथित रूप से बलात्कार कर मारने की घटना सामने आई है। उसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और उसको देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। मौके पर पहुंचे दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादियान पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए विधायक को वहां से भगा दिया। ये जो घटना घटी है, 9 साल की बच्ची थी, उसके माँ बाप जो है वो ये जो शमशान घाट के बिल्कुल सामने ही बैठते थे और 5:30 बजे उसको दाह संस्कार किया। फिर 4 आदमी थे इसमें और 2 उसके माँ बाप थे। फिर ये गांव गई, गांव वालों को पता चला और सारा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस ने 4 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से आप भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की है और आपको मजबूरन वहाँ से वापस आना पड़ा, तो उसको क्या? ये देखिए, दिल्ली पुलिस का काम है सुरक्षा देना और दिल्ली पुलिस ने 4 के 4 उनको पकड़ लिया है जो आरोपित हैं। अब जो वहाँ पे कुछ लोग, कुछ बीजेपी के लोग, अब इलेक्शन है यहाँ पे, एमसीडी के भी हैं और कंट्रोल बोर्ड के भी हैं, तो कुछ लोग वो लोग थे, कुछ 2-4-5 कांग्रेस के थे, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए अपने कुछ लोगों को लेके आए थे जो कि नांगल गांव के नहीं थे, बाहर के थे। तो उनको सिर्फ राजनीति से मतलब था और कोई मतलब उनको न्याय से मतलब नहीं था। मैं सुबह SHO से मिला हूँ, गांव के लोगों के साथ मिला हूँ, उसकी माँ से मिला हूँ और सबसे मिल के उन्होंने जो बयान दिया है वो मैंने सुना। हमारे मंत्री, समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, वो भी आए हैं। एक हमारे वाल्मीकि समाज के विधायक कुलदीप सिंह जी, वो भी आए हैं। तो हम सब लोग वहाँ पे गए हैं, परंतु कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, 2-4 लोग जो भड़के हुए थे, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। पुरानी नंगली गांव के स्थानीय लोगों की मांग है कि लड़की के साथ बलात्कार करने में उसको मारने वाले 4 दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साउथ वेस्ट DCP ने बताया कि 9 साल की नाबालिग लड़की रात के समय शमशान घाट में ठंडा पानी पीने के लिए गई और कुछ समय बाद शमशान घाट के पुजारी ने लड़की के घर वालों को सूचना दी कि लड़की की करंट लगने से मौत हो गई है और पुजारी व उसके अन्य 3 साथियों ने उसके परिवार को बहला फुसला कर लड़की का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच अभी जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली कैंट के विधायक से मिलकर घटना का संज्ञान लिया। कल रात में करीब 10:30 बजे PCR कॉल आई थी कि एक बच्ची है जिसको कि दुष्कर्म किया गया है और उसको जला दिया गया है। तो इमीडिएटली हमारी टीम रवाना हुई थी और नांगल गांव के एरिया में, वहाँ पे ये एक बच्ची है जो 9 साल की थी। तो ये पता चला, जो इसकी माँ ने हमको स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने यही बताया कि 5:30 बजे ये तकरीबन अपने घर से, नांगल गांव से शमशान घाट गई थी पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर से। वाटर कूलर में ठंडा पानी पीते हुए शायद इसको कुछ हो गया और वहाँ पे जो पंडित थे राधे श्याम जी, 55 साल के, और उनके साथ में 2-3 और लड़के थे जो वहीं का रख रखाव करते हैं, तो उन्होंने इनकी माँ को बुलाया घर से कि आपकी बेटी को कुछ हो गया, आके देख लीजिए। तो वहाँ जब ये पहुँची तो देखती हैं कि बेंच पे ये पड़ी हुई है और इनकी जो कलाई है, बिटिया की जो कलाई थी, बाईं कलाई, वहाँ से लेकर के और कोहनी तक जला हुआ है और उसके होंठ भी नीले पड़े हुए हैं। तो प्रमेय फैसी उनको लगा कि हाँ ठीक है, करंट लग गया होगा। बाकी इनका ये कहना है कि पंडित ने और उन 3 लड़कों ने बहला फुसला करके केस हो जाएगा और पोस्टमार्टम कराएंगे तो सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। ये सब कह के बोला कि इसका यहीं पे दाह संस्कार, क्रिमेशन कर देते हैं। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मोहनलाल, जो कहीं काम कर रहे थे, आए वापस और इनके अनुसार इनके इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जो है इनकी बेटी का दाह संस्कार कर दिया, इनको ज़बरदस्ती रोका वहाँ पर। तो जो इनका बयान था उसी के आधार पर हम लोगों ने धाराएं लगाईं और मुकदमा दर्ज कर दिया था और जो 4 अक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं, उनको पकड़ के हम लोग ले आए थे। उनको अभी कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है और नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो उनको JC भेज दिया जाएगा। आज माँ का 164 का बयान भी करवा दिया गया है और उसमें देखते हैं, अगर उसके आधार पर अगर और कोई सेक्शन लगेगा तो हम लोग लगा देंगे, अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल जो धाराएं हैं 304, 342, 201 और 34 में IPC में मुकदमा दर्ज हुआ है। सर, लड़की कहाँ की रहने वाली थी? बताया जा रहा है कि किराएदार थी। जी, लड़की किराएदारी थी और लांगल में ही रह रही थी और उसके माता पिता जो हैं कूड़ा बीनने का काम करते थे और फादर जो हैं तब घर पर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे काम से, और जो मदर थी वो घर पर ही थी, उनसे पूछ के ही पानी पीने गई थी।
सर जो आरोपी हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, यहीं के हैं या फिर बाहर के? आरोपी यहीं के रहने वाले हैं, जो जो पंडित हैं राधेश्याम, वो 55 साल के हैं, वो शमशान भूमि पे ही पंडित हैं, और बाकी जो 3 हैं वो रखरखाव में ही काम करते हैं वहाँ के, और वो भी ओल्ड लांगल गांव में ही रहते हैं।